दूसरे चरण का सियासी संग्राम करीब करीब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार बस कुछ देर का और बाकी है, लगभग दो दिन का, और इसके बाद जनता नेताओं की किस्मत का फैसला कर देगी। लेकिन इस बीच सीएम योगी धुआंधार रफ्तार से प्रचार में जुटे हैं। पश्चिम में योगी प्रचार पराक्रम दिखा रहे हैं तो अब अखिलेश भी पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। अलीगढ़ और मेरठ में मोर्चा संभाल रखा है अखिलेश यादव ने। इधर इमरान मसूद की एंट्री ने मेरठ की सियासी केमिस्ट्री को बदल डाला है। इसके बाद सपा और भाजपा दोनों ही टेंशन में है। दो दिनों का और अलीगढ़ के सारे इस्तेमाल तो निकाय के नायक में सबसे पहले बात सीएम योगी के पश्चिम पराक्रम की। 11 मई को जिन जिलों में चुनाव होने हैं सीएम योगी वहां पर धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ की रैली में सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के तालों का सही इस्तेमाल डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों पर ताला लग चुका है। योगी का पश्चिम पराक्रम, 4 जिलों में चुनावी आक्रमण, निकाय में भाजपा की किलेबंदी, जीत के लिए विपक्ष की घेराबंदी। निकाय चुनाव का संग्राम दूसरे और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में वक्त कम है और नेताओं के जिम्मे काम ज्यादा। भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए खुद सीएम योगी सारथी बने हुए हैं। रोजाना एक साथ 4 से 5 जिलों में चुनावी रैली कर रहे हैं। सीएम योगी पश्चिम में पराक्रम दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के तालों का सही इस्तेमाल डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने अलीगढ़ की चुनावी रैली में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। आज वहां भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन उनके नाम से विश्वविद्यालय निर्माण की तैयारी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया। बदायूं की चुनावी सभा में सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया कि गंगा एक्सप्रेसवे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है, जिससे विकास की रफ्तार बदायूं में कई गुना बढ़ गई है। गंगा एक्सप्रेसवे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है। एक ओर मेरठ को जोड़ेगी और दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ेगी। शाहजहांपुर में इस बार पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी शाहजहांपुर में विजय रथ लेकर पहुंचे, नगर निगम को विकास का आधार बताया। नगरीय विकास का मतलब जनता को बुनियादी सुविधाओं को नगरीय जीवन के ओर से मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना, उनके जीवन स्तर को उठाना, रोजगार के सृजन के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है, इसलिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। दूसरे दौर में 7 नगर निगम की सीट दांव पर है। भाजपा ने सभी 17 नगर निगम में कमल खिलाने का दावा किया है। दावे हकीकत में बदलेंगे या हवा हवाई साबित होंगे, ये 13 मई के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर कानपुर देहात के रूआ नगर पंचायत में सपा और भाजपा की टक्कर के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के लिए जीत की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा छोड़ राजोल शुक्ला कांग्रेस से उम्मीदवार बन गए हैं, जो अब भाजपा पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। पैंतीस साल पुराना साथी क्यों बन गया बागी, छोड़ा कमल का साथ
मजबूत कर रहे हाथ। कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत दूसरे चरण के निकाय संग्राम के लिए हॉट सीट बन चुकी है। 11 नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए होने वाली दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां सपा और भाजपा के टक्कर के बीच कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के लिए जीत की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस से प्रत्याशी बने राजोल शुक्ला बीजेपी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांगा था। टिकट पूंजी भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया है। इसी क्रम में मुझे टिकट नहीं दी गई और मुझसे कहा गया कि तुम्हारी हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं। दरअसल राजोल शुक्ला पिछले 35 साल से भाजपा के साथ जुड़े रहे थे। कानपुर देहात में प्रमुख पदों जैसे जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने दगा दे दिया। हम क्षुब्ध भी हैं और दुखी भी हैं कि हमने किराए का कमरा भी कोई लेने के बाद नहीं छोड़ता है और मुझे यहाँ 35-40 साल की सेवाएं थी वो वहाँ से हटाया गया है, छोड़ा गया और दुखी किया गया। राजोल शुक्ला ने नामांकन से ठीक एक दिन पहले भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, क्योंकि तमाम उम्मीदों के बावजूद भाजपा ने रूरा नगर पंचायत से रामजी गुप्ता नाम के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बना दिया। इधर सपा ने पूर्व मंत्री की बेटी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, लेकिन दोनों की राह में राजोल शुक्ला दीवार बनकर खड़े हो गए। जो दो प्रत्याशी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के यहाँ से लड़ रहे हैं वो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि जो चुनाव है चुनाव के दौरान वोटों को खरीद और फरोख्त का भी काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके राजोल शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितना डैमेज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। नगरपालिका औरैया पर पिछले 20 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसी परिवार से लालजी शुक्ला मैदान में हैं। सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां दम लगा रही हैं, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। औरैया में निकाय संग्राम बना त्रिकोणीय। भाजपा और सपा का निर्दलीय से मुकाबला। 20 साल से एक ही परिवार का रहा है कब्जा। ब्रजेश पाठक और शिवपाल ने संभाला मोर्चा। एक तरफ शिवपाल यादव शहर में रोड शो कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा वाले भी दम दिखा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रैली और चुनावी सभाओं में आ रहे हैं। ये तस्वीरें औरैया की हैं, जहां सपा और भाजपा दोनों ने ही दम लगा रखा है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल नगर पालिका औरैया पर पिछले 20 सालों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसी परिवार से लालजी शुक्ला मैदान में है। इनका कहना है कि जनता का समर्थन तो खूब मिल रहा है, लेकिन सत्ता की वजह से प्रशासन परेशान कर रहा है। ऐसा मानना है कि विगत 20 सालों से हम और हमारा परिवार जनता के बीच में है, जनता को भली बात पहचानते हैं भाई नेम से, और जनता भी हमको हमारे पूरे परिवार को पहचानती है। इसलिए हमें लगता है कि सफलता जो 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा उसमें हमको ही मिलेगी। यही आरोप सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता ने भी लगाया है कि प्रशासन परेशान कर रहा है। लोग हमें सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दे रहे, हमारी परमिशन के बाद भी गाड़ियां रोकी जाती, घंटे घंटे दो दो घंटे उन्हें परेशान किया जाता है, कई थाने में खड़ी कर दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, हड़काया जाता है। इसकी शिकायत सपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल सिंह यादव से भी की, जिसके बाद शिवपाल ने मंच से कहा कि मतदान के दिन कोई भी गड़बड़ी हो तो मुझे बता देना, मैं खुद आ जाऊंगा। इन आरोपों को नकारते हुए भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे का कहना है कि सपा अगर ऐसी बात कर रही है तो वो अपना अतीत भूल गई है। पार्टी के लोग अगर ये बात ना करें
तो बहुत अच्छा है, वो अपने अतीत से अपने आप को आंके कि उनका अतीत कैसा रहा है। बहरहाल निकाय चुनाव के मतदान से पहले तीनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 13 मई को तय होगा। लेकिन औरैया की जीत और हार 2024 के चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर अमेठी नगर पंचायत में अब हवा बदली बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि बसपा उम्मीदवार ने पार्टी से नाराजगी के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मतदान से पहले अमेठी में बसपा को झटका। निर्दलीय के समर्थन में छोड़ा मैदान। अमेठी में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव के पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों के मिलन की ये तस्वीरें एक नई कहानी लिख रही हैं। दरअसल ये दोनों ही अमेठी नगर पंचायत की दो महिला उम्मीदवारों के पति हैं। लेकिन अब बसपा प्रत्याशी शकीला बानो ने इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतार तो दिया, लेकिन उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने बसपा का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं आया। आज है ऐसे प्रत्याशी के ऊपर कि जो निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़के ये भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं और कोई टाउन एरिया का आदमी इनको रोक नहीं पाएगा, गरीब जनता का आशीर्वाद है। अमेठी नगर पंचायत सीट पर बसपा की दावेदारी खत्म होने से लक्ष्मी सोनी के पति महेश सोनी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बसपा प्रत्याशियों पर भरोसा करके उनके साथ आए हैं, इससे उनको बहुत मजबूती मिली है। दावा है कि वो अमेठी का इतिहास बदलते हुए इस बार चुनाव जीतेंगे। बसपा के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई समीम ने हमको जो समर्थन दिया है उससे हम निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद और ये बड़े भाई जैसे आज हमारे साथ आए, अमेठी का कारवा और इतिहास लिखने जा रहा है। निकाय चुनाव में जिस तरह नेताओं और पार्टियों की खेमेबंदी हो रही है वो हैरान जरूर करती है, क्योंकि तो शहर की सरकार चुनने वाली जनता किसका भरोसा करे। पार्टियों से मोह भंग होने में नेता वक्त नहीं लगा रहे। पाला बदलते ही निकाय संग्राम की लड़ाई पल में बदल जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर की बात करेंगे, वहां पर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जंग में जहां सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे भी प्रचार में जुटी दिखाई दे रही है। आज संगीत टाकी से जुलूस के जरिए प्रमिला पांडे ने लोगों से वोट की अपील की। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी की यह खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर में अंतिम दौर में प्रचार चल रहा है और बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे को हम आप दिखा रहे हैं आपको, और देखिए सलीम बिश्नोई भी उनके साथ हैं। एमएलसी सलीम बिश्नोई के साथ जीप पर खड़े होकर वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। आचार्य नगर का ये इलाका है जहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हाथ जोड़े हुए हैं और लोगों से समर्थन जुटा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे, उनके साथ सलीम बिश्नोई और तमाम स्थानीय नेता भी मौजूद हैं, जीप में खड़ी हैं कुछ इसी तरीके से, और लिखा हुआ है कहो दिल से अम्मा फिर से। जो प्रमिला पांडे के चाहने वाले हैं वो उनको अम्मा कहते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोगों से हाथ जोड़ करके समर्थन मांग रही हैं और ये समर्थन इस तरीके से जुटाया जा रहा है। आखिरी दौर पर जब समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, अपनी बड़े टॉप लीडरशिप को उतारा हुआ है, ये देखिए ये दिखा रही हैं और लोगों से हंस हंस करके अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं, मुहर के लिए कह रही हैं और चेहरे पर खुशी दिख रही है। सलीम बिश्नोई इनके साथ हैं, तमाम स्थानीय नेता भी हैं और कुछ इस तरीके से गाड़ियों का रेला विक्ट्री साइन दिखाते हुए स्थानीय नेता और पीछे तमाम समर्थक, कुछ इस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है प्रमिला पांडे का, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं। और बड़ा कंपटीशन उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि प्रमिला पांडे के जवाब में कोई प्रत्याशी उनको नजर नहीं आता है। प्रमिला पांडे ने जो काम किए हैं उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कप्तानगंज के मतदाता नगर निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है। वजह, पहली बार कप्तानगंज के मतदाता नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र में विकास के लिए किस पर भरोसा जताएंगे, रिपोर्ट में देखिए। कप्तान
सुल्तानगंज नगर पंचायत में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जनता काफी उत्साहित भी है कि वो पहली बार अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है जो उनके गली मोहल्लों और क्षेत्र का विकास करेगा। विकास के मामलों में ये इलाका अभी बहुत पिछड़ा है। कप्तानगंज विधानसभा सीट पर पूर्वांचल के छात्र नेता और पूर्व मंत्री सभा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी का 25 साल तक कब्जा रहा और इस बार उनके बेटे अतुल चौधरी कप्तानगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। बावजूद इसके विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सपा नगर पंचायत की जिम्मेदारी चाहती है। कप्तानगंज की देवतुल जनता ने हम जैसे नौजवान पे भरोसा जताया था और आज भी जब मैं उनके बीच में चल रहा हूँ वो भरोसा वैसे ही बरकरार है। वापस फिर वहाँ पे साइकिल ही चलेगी और साइकिल एक तरफा जीत रही है। जनता मानती है कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं रामप्रसाद चौधरी और उनके प्रभाव में एक बड़ा वर्ग उनके साथ रहता है जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है और वो हर चुनाव को फतह कर लेते हैं। इस बार भी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी और उनके बेटे सपा विधायक अतुल चौधरी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नवसृजित नगर पंचायत यहाँ की जनता मतदान करेगी बिजली पानी सड़क और साफ और स्वच्छता पर। नगर पंचायत का अध्यक्ष ऐसा हो जो सुलभ हो, आसानी से जनता उस तक पहुंच सके, उसके सारे काम आसानी से हो। बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा की छवि समाज सेवी के तौर पर है। पहली बार वे चुनाव मैदान में हैं और उम्र के साथ साथ अनुभव से लवरेज होकर जीत का दावा करते थक नहीं रहे। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि कप्तानगंज की कप्तानी जनता उसे सौंपेगी जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। संस्था के लिए और गांव नगर पंचायत के लिए कुछ लाना है, कुछ करना है, उसके लिए कोई पद का दायित्व तो होना जरूरी है। बगैर दायित्व को कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, बगैर दायित्व के कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसीलिए विचार मन में आया कि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना। इधर सपा उम्मीदवार का कहना है कि बीजेपी के लोग जनता को भ्रमित कर वोट मांग रहे हैं, मगर जनता सब जानती है उनके लिए विकास की बात कौन कर सकता है। मेहनत करना पड़ेगा और स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकता में रहेगा। जो भी विकास के कार्य हैं, आवास, बकाया बाकी आवास, पेंशन, ये सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल 11 मई को होने वाले चुनाव में जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेगी ये मन बना चुकी है। जनता ने किसके दावों और वादों पर भरोसा किया है इसका खुलासा 13 मई को होगा जब नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।